नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं। तो ये व्रत वाली खिचड़ी है, इसे बनाना बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। तो चलिए व्रत वाली खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमने साबूदाना लिया है क्योंकि हमने साबूदाना का खिचड़ी बना रहे हैं। तो एक कप हमने साबूदाना लिए थे और इसे हमने धुल के पानी में रख दिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखे थे। तो इसे हमने 3 घंटे के लिए पानी में रखे हैं। देखिए कितना खिला खिला सा है, एक एक दाना, एक भी दाना एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, देख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी आज पड़ जाएगा तो फिर ये खिला खिला नहीं रहेगा। तो ये हमने 1 कप लिए, तो हम आपको बता दिए। अब इसको हम साइड करते हैं। और ये हमने 1 कप लिए हैं, ये मूँगफली का दाना लिए हैं, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और इसमें हम ये मूँगफली डाल के इसे हमें भून लेना है अच्छी तरह से। मूँगफली को हमने रोस्ट कर लिए हैं, देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हम इसे भुने हैं। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से चेक कीजिए तो देखिए सर छिलका निकलने लगा, तो समझिए ये रोस्ट हो चुका है। तब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, गैस हम बंद कर लेंगे, निकाल के इसका सारा छिलका हमें निकाल देना है। तो हमने मूँगफली का देख सकते हैं छिलका निकाल लिए, इसे अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिए हैं। अब हम ये जार लिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, आधा मूँगफली हमें पीस लेना है, सारा हमें नहीं पीसना है, आधा पीसना है, आधा रखना है। ये देखिए हमने मूंगफली को पीस लिया, देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक हमें पीसना है था। और ये जो है साबूदाना, इसमें इसे हमें डाल देना, सारे के सारे डाल देना है। और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, हुआ रहेगा खिला खिला सा आपका खिचड़ी बन के तैयार होगा। अगर आपका ये साबूदाना, मेरा तो पहले से खिला खिला था, अगर आपका थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ गया हो तो आप ये जो है पीस के जो हमने डाले हैं मूंगफली, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल दें। और इसे पंखे के हवा में फैला के रख दीजिए, कपड़े पे, कॉटन कपड़े पे, जो अच्छी तरह से ये सूख जाए, उसके बाद आप इसमें मिला पीनट ये पीस के। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, घी डाल देते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें घी डाले हैं, घी आप अपने क्वान्टिटी के हिसाब से एड कर दीजिए। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा जीरा डाल दे रहे हैं, 1/4 टीस्पून जीरा। अब 1/4 टीस्पून हम इसमें राई डाल दे रहे हैं, सरसों। इस समय हम गैस को मीडियम रखे हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हमने मिर्च लिए हैं, मिर्च हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं करी पत्ता, ऐड कर दे रहे हैं करी पत्ता भी हल्का सा, आप देख सकते हैं मिर्च करी पत्ता सारा चीज़ बस हल्का हल्का सा हम पक चुका, ज़्यादा हमें नहीं पकाना था। अब इसमें हम ये टमाटर डाल दे रहे हैं, तो ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसे हमने बारीक कच्चे करके ले लिए हैं। इसे हमें हल्का सा सौते करना है। तो टमाटर को हमने देख सकते हैं पका लिए हल्का सा, ये सॉफ्ट हो चुका है। ये जो हमने साबूदाने का खिचड़ी बना रहे हैं, ये व्रत के लिए साबूदाने का खिचड़ी है, व्रत में खाया जाता है, उसी तरीका का हम बना रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ये जो हमने थोड़ा सा पीनट बचा के रखे थे इसे ऐड कर दे रहे हैं, मूँगफली को। इसी समय हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ये हमने 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसे मिर्च जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से। और ये हमने 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्च लिए हैं, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर। तो अगर तीखा आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से ले, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डाले हैं। और ये हमने 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं, जीरा पाउडर, जीरा को हमने भून के उसका पाउडर बनाया है। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें मिला लेना है, बस 1 मिनट तक हमें पकाना है। इस समय हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं ये नमक, तो 1/2 चम्मच हमने नमक डाले हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, ये सेंधा नमक है क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही यूज किया जाता है। और इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे साबूदाना, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। और इसमें थोड़ा सा हम ये चीनी डाल दे रहे हैं, चीनी भी हम बिल्कुल ही थोड़ा सा 1/4 टीस्पून चीनी डाले हैं। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। ये जो हमने टमाटर डाले हैं तो इसीलिए हम इसमें चीनी डाले हैं कि बैलेंस सही रहता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसे हमें 2 मिनट भून चुके हैं,
ये देख सकते हैं कितना खिला खिला सा ये खिचड़ी बनके तैयार हुआ है, ये व्रत वाली खिचड़ी। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। खिचड़ी बनके तैयार है व्रत वाली खिचड़ी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।